नोट पर गांधी जी की जो फोटो छपी होती है, वो फोटो आखिर कब और कहाँ की है जो कि आज भी नोट पर छपी हुई है? क्या आपने कभी सोचा है? और क्या आप ऐसे जीव के बारे में जानते हो जो कि अपने ही बच्चों को मारकर खाता रहता है? और क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन्स आसमान में एक दूसरे के इतने पास पास उड़ने के बाद भी आपस में क्यों नहीं टकराते? इस वीडियो में आप ऐसे गजब के रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको शायद इससे पहले कहीं पे सुना होगा। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर वन, आप सभी ने कभी ना कभी ये तो ज़रूर सोचा होगा कि जब भी एरोप्लेन्स आसमान में उड़ते हैं तो क्या वो एक दूसरे से टकरा सकते हैं? क्या वो भी एक दूसरे से एक्सीडेंट कर सकते हैं? तो देखो, एरोप्लेन्स के जो ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं वो एरोप्लेन्स के ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम लोग ओड और इवन हाइट पर प्लेन्स को उड़ाओ। मतलब अगर एक प्लेन 30,000 फीट पर उड़ रहा होगा तो दूसरे प्लेन को बोला जाएगा कि तुम 32,000 फीट पर प्लेन को उड़ाओ। तो ऐसे ही इवन ओड करके बहुत सारे प्लेन्स को ऊपर नीचे उड़ाया जाता है जिससे वो आसमान में टकराते नहीं हैं, भले ही प्लेन्स पास पास क्यों ना उड़ें। तो इसी के चलते एरोप्लेन्स कभी भी आसमान में नहीं टकराते। फैक्ट नंबर टू, इस धरती पर जितने भी जानवर हैं वो सब एक दूसरे को खा सकते हैं, ठीक है, बट अपने ही प्रजाति का, अपने ही कैटेगरी का जानवर क्या अपने ही बच्चों को खा सकता है? नहीं खाते। मतलब एक शेर दूसरे शेर को खा सकता है? नहीं खाता। एक मगरमच्छ दूसरे मगरमच्छ को नहीं खाता। बट टाइगर सलामंडर नाम का जीव अपने ही बच्चों को खाने लगता है। क्या होता है कि जब टाइगर सलामंडर की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है तब ये अपने ही बच्चों को खाने लगता है, और जैसे ही पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाती है वैसे ही अपने बच्चों को खाना बंद कर देता है। तो ये पूरी दुनिया का सबसे अमेजिंग क्रिएचर है। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तब वो मीठी चीज़ को फील कर सकता है कि हाँ ये मीठी है, और तीखी चीज़ के साथ साथ खट्टी चीज़ को भी फील कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक एक बच्चा 4 महीने का नहीं हो जाता है तब तक वो साल्ट यानी नमक को टेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका सोडियम सेंसिटिव रिसेप्टर जो होता है वो 4 महीने के बाद ही स्टार्ट होता है। फैक्ट नंबर फोर, इंसानी स्किन जूम करने पर ऐसी दिखेगी, ठीक है, बट एक शार्क मछली, वही जो कि समुद्र का राजा होती है, सबसे डरावनी मछली, उसकी स्किन को अगर आप जूम करोगे तो देखो ऐसी दिखेगी। इसे देखो, ये बिल्कुल लोहे के नुकीले भाले जैसी दिख रही है। फैक्ट नंबर फाइव, आप सबने नोट पर हमेशा से गांधी जी की फ़ोटो को देखा होगा, पर क्या आपने कभी इस फोटो को देखकर ये नहीं सोचा कि ये फ़ोटो आखिर नोट पर कहाँ की है, ये फ़ोटो आखिर नोट पर क्यों छपी? तो आप आज इसका आंसर जान लो। देखो, ये गांधी जी की फ़ोटो साल 1946 में ली गई थी लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के सामने, और ये उनकी फुल फ़ोटो थी। इसमें आप देखो कि ये वहाँ पर खड़े थे और इन्हीं की इसी फ़ोटो को आधी फेस तक कट करके नोट में डाला गया था। तो गांधी जी की फ़ोटो को पहली बार साल 1946 में नोट में डाला गया था, तब से फ़ोटो अब तक नोट में चल रही है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोज़ को आगे फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।